2015 में भाभी जी घर पर है शुरू हुआ था, जो आज भी एनडीटीवी पर प्रसारित होता है। इस शो में कुछ कैरेक्टर्स बदले, लेकिन शो का थीम आज भी वैसा का वैसा ही है। इस शो में यूपी के कानपुर शहर के नाम का सेट लगाया गया है। इसमें दो कपल हैं, जिनमें से एक विभूति नारायण मिश्रा है और अनीता मिश्रा है, जो पति पत्नी बने हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन विभूति अपनी पड़ोसन अंगूरी भाभी को भी पसंद करता है। इस शो में दूसरा कपल मनमोहन तिवारी और अंगूरी तिवारी है। इसमें मोहन तिवारी अनीता मिश्रा को पसंद करता है। ये शो रोमांटिक कॉमेडी तर्ज पर बना है। ऐसा एक शो 90 के दशक में आया था, जिसका नाम श्रीमान श्रीमती था। इस शो ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से लोगों का दिल जीता था। अर्चना पूरन सिंह, राजेश बेदी, रीमा लागू जैसे स्टार शो में नजर आए थे। केशव नौकरी करता है और कोकिला घर पर रहती है। वहीं शालिनी एक एक्ट्रेस होती है और दिल घर पर रहकर सारे काम करता है। ऐसा ही कुछ आपने भाभी जी घर पर में भी देखा होगा। इस शो में केशव कुलकर्णी और कोकिला कुलकर्णी पति पत्नी थे। वहीं दूसरे कपल दिल और प्रेरणा शालिनी पति पत्नी बने थे। श्रीमान श्रीमती में भी दो आदमी अपनी अपनी पड़ोसियों को पसंद करते हैं। ये शो 1999 में शुरू हुआ था और 4 साल बाद खत्म हो गया था। इसमें लगभग 143 एपिसोड दिखाए गए थे। श्रीमान श्रीमती दूरदर्शन पर टेलीकास्ट होता था, जिसे राजन वाघेरे ने डायरेक्ट किया था। ये शो कॉमेडी उस दौर में काफी पसंद किया गया था। इस शो को अगर आप दोबारा देखना चाहते हैं तो इसे आप यूट्यूब के मस्ती खोर चैनल पर देख सकते हैं। इस शो का दूसरा पार्ट भी बना था, लेकिन वो फ्लॉप रहा। ऐसी एंटरटेनमेंट, बॉलीवुड और सेलेब से जुड़ी जानकारी के लिए देखते रहिए इंस्टा फीड।